बहुजन नायकों के इतिहास को समेटे 2025 का बहुजन कैलेंडर आ गया है। आज ही बुक करिए अपना बहुजन कैलेंडर। इस प्रतिस्पर्धा में जितने भी लोग चुनावी मैदान में थे, उन सभी को भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने लोकतंत्र की ताकत को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया और पूरा परिणाम आने का हमें इंतजार है। और वो परिणाम घोषित होने के बाद हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। जो हमें जानकारी मिली है आपके तरफ से भी और कई आधिकारिक सूचनाओं के माध्यम से भी, जो इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन रहा है वो बहुत बेहतर रहा है। लगभग 56 प्रत्याशी हम लोगों के जीते हैं और 24 एनडीए गठबंधन के लोगों ने जीत हासिल की है, जो लगभग 2/3 के बराबर हम लोगों के हिस्से में आता है। कुछ जगहों पर शायद रिकाउंटिंग की खबर आ रही है और कुछ जगहों पर बहुत मार्जिनल वोट में निर्णय होने के आसार दिख रहे हैं। उन सभी सीटों पर भी हम लोगों की नजर है और अबुआ सरकार का एक इतिहास झारखंड में गढ़ने जा रहा है। आप लोगों ने पहली बार, मुझे लगता है, ऐसा चुनाव देखा होगा और ऐसे लोकतंत्र की परीक्षा को हम लोगों ने सफलतापूर्वक पास किया और आप सबको भी मेरी ओर से बहुत बहुत आभार शुक्रिया कि आप सब लोगों ने राज्य की गतिविधियों को देश की जनता और राज्य की जनता तक पहुंचाने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ बातें कांग्रेस प्रभारी जी साहब की तरफ से भी हम और जो अभी अभी मुझे जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री जी ने भी बधाई के संदेश हमें भेजे हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। चलिए, आप सबका शुक्रिया। मेरे ख्याल से ऑल ऑफ ए सडन आपको बुलाया गया, फिर भी आप पूरी तादाद में यहां उपस्थित हैं। अभी हमारे मुख्यमंत्री और होने वाले मुख्यमंत्री ने आपके सामने सेंट्रल आइडिया रखा। ये चुनाव झारखंड का जो लड़ा गया, आप तो खुद सारे विटनेस ही हैं एक एक पल के, और हमने शायद शुरुआत से कहा था कि झारखंड की जनता बहादुर है, सियासी तौर पर काफी मैच्योर्ड है और जो
दोतरफा यहां पर चुनावी जंग रहा। एक तरफ से तो क्लियरली हम लोग पूरा गठबंधन अपने 5 साल का विवरण देते रहे कि हमने जनता के लिए क्या काम किए और अगले 5 साल के लिए हमने एक क्लियर कट एजेंडा लोगों की भलाई के लिए जो रखा था वो रखा, और इन्हीं दो चीजों के दरमियान पूरे गठबंधन ने जनता के साथ वाबस्तगी की। और दूसरी तरफ से आप विटनेस है, उनकी भी जो जिम्मेदारी बनती थी कि उन्होंने क्या झारखंड के लिए क्या क्या करने जा रहे हैं, ऐसा कोई चर्चा किया नहीं। बट दोनों के लिए जज झारखंड की जनता रही। और जो हम पहले कह रहे थे कि हमारी सरकार ने ऑड टाइम्स में ये 5 साल कोविड का भी तकलीफ देखा और इस रियासत में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी काफी टाइम रहा, और उसके बावजूद सरकार ने, गठबंधन ने, मुख्यमंत्री ने डट के जो अपनी जनता थी उसकी सेवा करने की कोशिश की, उसको लोगों ने रिकॉग्नाइज किया। और स्पेशली जो 50% आबादी, शायद हमारी सरकार ने पहली बार महिलाओं को एक रिकॉग्निशन दी, एक सम्मान दिया, एक रेस्पेक्ट दिया, और हमें खुशी है कि वो 50% आबादी महिलाएं, बहनें, बेटियां, उन्होंने भी जो पोलिंग में हमने देखा, उन्होंने भी जिस जोश खरोश के साथ इस गठबंधन के उम्मीदवारों को साथ दिया वो साफ दिखाई दे रहा था। तो इसलिए अब जो निर्णय है वो आपके सामने है, मेरे ख्याल से घंटे दो घंटे के अंदर सारा फिगर सामने आएगा, और गठबंधन को एक अच्छा मजबूत मैंडेट मिला अगले 5 साल मजबूती से काम करने के लिए। तो मैं भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से और हमारे लीडरशिप सोनिया गांधी जी की तरफ से, खड़गे जी की तरफ से, राहुल गांधी जी की तरफ से झारखंड की जनता को बधाई देना चाहता हूं, और मुख्यमंत्री जी जिनके कयादत में और हमारी कल्पना जी नेगलेक्ट नहीं होना चाहिए, जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, जो उन्होंने रोल इस सारी प्रकरण में किया, मैं समझता हूं कि वो भी बधाई के पात्र हैं। और हमारे गठबंधन के सारे साथी, वो चाहे आरजेडी हो, दूसरे साथी हो, उन्होंने भी अपने अपने तरीके से जो पूरी मजबूती के साथ ग्राउंड पकड़ा और जनता तक अपनी आवाज पहुंचा दी, और पूरी झारखंड की जनता को, हमारे पार्टियों के, सारे पार्टियों के बूथ पर लड़ने वाले वर्करों को और तमाम लोकल लीडरशिप को और हमारी नेशनल लीडरशिप को, मैं इस कामयाबी को हासिल करने में उनको बधाई देना चाहता हूं। और आप सब लोगों को जगह जगह जो पहुंचते रहे, विटनेस करते रहे, भले कई बार हमें गिले शिकवे भी रहे क्योंकि आपका तवाजुन कई बार लेफ्ट राइट रहता था, बट फिर भी जो जमहूरियत में होता है एंड रिजल्ट जो है वो आपके सामने है। हम अगले पड़ाव की तैयारी करेंगे रिजल्ट्स आने के बाद में। आप सब लोगों का यहां पर जमा होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेस मीडिया के भाइयों को भी। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी और होने वाले माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी, माननीय कल्पना सोरेन जी, मीर साहब, इंडिया गठबंधन के तमाम सम्मानित आदरणीय नेतागण, आज का दिवस ऐतिहासिक है। और यह ऐतिहासिक दिवस ही नहीं है, यह एक कीर्तिमान झारखंड प्रदेश के लिए बनाया गया है इंडिया गठबंधन के द्वारा। जन विश्वास जीता है और नफरत हारा है। जहर उगलने वाली ताकतों को जनता ने सबक सिखाया है। झारखंड प्रदेश की जनता ने, मैया योजना ने, माँ बहनों ने, नौजवानों ने, समाज के सभी जाति धर्म के लोगों ने जो अपार मैंडेट दिया है आदरणीय माननीय हेमंत सोरेन जी को, इसके लिए इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी,
माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, माननीय राहुल गांधी जी, माननीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय शिबू सोरेन जी और जो है वाम दल के सम्मानित नेता, गठबंधन के तमाम नेताओं को बधाई देते हैं। और जो विकास का वादा, विश्वास का वादा माननीय हेमंत सोरेन जी ने किया, उसको निभा करके जनता के विश्वास को जीता है। इसी ढंग का विश्वास पुनः एक साल के बाद जो बिहार में चुनाव होगा 25 में, उसमें इसी तरह का विश्वास जीतने का काम माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी करेंगे और इसी ढंग का जश्न मनाया जाएगा। माननीय हेमंत सोरेन जी को और इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं को बहुत बहुत बधाई, जनता को बधाई। अब सीपीआई माले के मनोज भट्ट जी। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को और हमारे इंडिया गठबंधन के तमाम मित्रों को बधाई देता हूं शानदार जीत के लिए, और खास करके जल जंगल जमीन के लिए संघर्ष करने वाली ताकतों को भी काफी बधाई जिन्होंने झारखंड को लोटखंड बनाने के खिलाफ जनादेश दिया है। इस जीत के लिए तमाम झारखंड वासियों को बधाई। मैं अपनी पार्टी की ओर से यही कहना चाहूंगा कि जो इंडिया गठबंधन का जो वादा है, हमारी पार्टी में भी जो जल जंगल जमीन स्थानीयता रोजगार का जो सवाल है उसको लेकर के आगे बढ़ने के लिए हम बिल्कुल इंडिया गठबंधन के साथ हम लोग मिलकर के लड़े हैं और हम आगे भी ये जो सफर है झारखंड के विकास का हम लोग मिलकर के साथ तय करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इससे बिल्कुल झारखंड का जो भविष्य है, एक सुनहरा भविष्य झारखंड के सामने अब है, और यहाँ जो भी पेंडिंग कानून सब भाजपा के जरिए राजभवन के जरिए लटकाया गया है उसको लेकर के हम लोग मिलकर के आगे हल करेंगे। सभी मित्रों को एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई जीत के लिए, शानदार जीत के लिए। धन्यवाद।